इधर हो। लेट जा। हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। और आप सभी लोग कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो जो बच्ची को मैं लेके घर आया था, पहले से थोड़ी ठीक कंडीशन है उसकी, और डॉक्टर पे भी लेके चला गया था मैं। तो डॉक्टर ने उसके दो इंजेक्शन लगाए, जिसमें एक एंटीबायोटिक होगा और एक पेन का होगा, और ड्रेसिंग करी उसकी। बाकी डॉक्टर ने ये बोला है कि घर पे भी आपको उसकी डेली डेली ड्रेसिंग करनी पड़ेगी, एक दिन छोड़ के एक दिन आपको ड्रेसिंग करनी पड़ेगी, जैसे जल्दी से जल्दी उसका घाव भर जाए। और 15-20 दिन तो लगेंगे ठीक होने में, कम से कम उसका घाव भरने में। तो अभी उसकी ड्रेसिंग करता हूँ मैं खुद ही, थोड़ी बहुत आती है मुझे करने। जो इसके डॉक्टर ने पट्टी बांध दी थी, ये देखो इसने फाड़ दी चाट चाट के। मैं थोड़ा फिर भी ठीक है, पहले से रिलैक्स फील कर रही है, पर फिर भी अभी हल्का बहुत ही ठीक हुआ है। 100 में से 10% अभी टाइम लगेगा इस। और यहाँ से इसने पीछे की भी छील छील के फाड़ दी चोट अपनी। एक तो इसके बहुत ज्यादा स्मेल आ रही है। इधर हो। लेट जा। लेट भी तो नहीं रही है, डरा रही है। लेट लेट। लेटी रहे शांति से, उसके मुझे पट्टी बांध देंगे मुंह पे। लेट लेट जा। कैसे बंद दी थी मैंने इसकी पट्टी? तो डर भी लग रहा।
हो गया हो गया हो गया। अरे यार हो गया हो गया। देखिए ये तो सीन है ना बहन कर दड़ा, एक बंदा चाहिए और फाइनली बड़ी मुश्किल से इसने पट्टी बंधवाई थी रो धो के, पर जैसे मैं इसका मुंह बंद कर रहा था ना मैंने तो प्यार से मुंह बंद किया, ज़्यादा हार्ड से टाइट सा भी नहीं किया, डॉक्टर ने तो बयान करके बहुत कस के बंद कर रखा था और जल्दी से पट्टी बांध दी थी उन्होंने और मेरे से अच्छी बांध दी। अब डेली डेली ड्रेसिंग करनी पड़ेगी इसकी, ये भी पता नहीं फाड़ के निकालना थे मक्खियाँ नहीं बैठेगी ना इसके उससे। वही टीजी ये फिर स्टार्ट होगी, इसे फाड़ देगी थोड़ी देर में शायद ये, और एक ये स्प्रे है डॉक्स का, ये भी बहुत बढ़िया रहता है इनके लिए चोट चाट के लिए। इसके यहाँ लगा देता हूँ मैं, मक्खियाँ बैठ गई। तो ड्रेसिंग तो कर चुका हूँ मैं उसके, बाकी काफ़ी ज़्यादा टाइम लग चुका है मेरे को ड्रेसिंग करने में उसकी, 10 से 15 मिनट लग गए होंगे मेरे को, क्योंकि ज़्यादा एक्सपीरियंस तो है नहीं मेरे को ड्रेसिंग करने का, फर्स्ट टाइम ही मैंने ऐसी ड्रेसिंग करी होगी, पर कोई नहीं धीरे धीरे आदत हो जाएगी। बाकी जैसे मैं उसके पट्टी बांध रहा था ना मुँह में,
वहाँ से ये मैं वहाँ से देखा कि यहाँ डॉक्टर ने भी ना उसके ऐसी पट्टी बांधी थी, तो वहाँ से देख के मैंने थोड़ा सीखा कि यार ऐसे पट्टी बांध के ड्रेसिंग करनी चाहिए। डॉक्टर ने तो बाकी 2-3 मिनट में कर दी थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होते हैं और पता नहीं कितनों का इलाज करते होंगे वो। बाकी ब्लॉग का तो यहीं पे एंड करते हैं गाइस, ज़्यादा बाहर का ब्लॉग बनाया नहीं मैंने, बस घर ही घर का ब्लॉग बनाया, क्योंकि पहले तो उसकी केयर ही करनी है मेरे को। कुछ टाइम बाद अगर वो ठीक हो जाएगी जब जाके मैं ब्लॉग बनाऊँगा कुछ अच्छा बाहर जाके। और वैसे तो 1-2 दिन में ब्लॉग बनाऊँगा ही मैं, जैसे कि बाहर का मार्केट साइड का इधर उधर इधर उधर का, थोड़ा बड़ा टूर नहीं करूँगा, जैसे कि दूर जाना 3-4 दिन के लिए वैसा नहीं करूँगा, क्योंकि जब तक वो ठीक नहीं हो जाती तो ऐसे कैसे जा सकता हूँ मैं। तो ब्लॉग का गाइस यहीं पे एंड करते हैं, बाकी आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना एंड चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करना, एंड सभी को बाय बाय, टेक केयर।